वेलकम बैक टू आवर चैनल। बड़े दिनों के बाद हम ब्लॉग शुरू करने वाले हैं, या रिको बोलते हैं। तो ये अगर आप देख रहे होंगे, हम हैं यस वी आर इन ग्वालियर, और हम ये हमारे होटल से दिखता है डायरेक्टली यस ग्वालियर का। तो आज हम आपको ग्वालियर जितना भी घूमने वो सब दिखाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे वो दिखाएंगे। पहला प्लान सबसे पहला तो ये है कि ग्वालियर फोर्ट की जाते हैं, आज बहुत पास में विच इज़ शाह ग्वालियर विच इज़ नियर बाय ऑल टूरिस्ट प्लेस, सिटी सेंटर में है ये। तो चलो चलते वाला एरिया, संगीत महल बोलते हैं। तो थोड़ा ब्लैक आ रहा है बाहर हो जा। तो यहाँ पर पुराने जमाने में संगीत बजाया करते थे, और ऊपर गैलरी गैलरी पे पर्दा लगाया हुआ था, पर्दे की जो पर्दा है। तुझे तो एक ही रानी है, लेकिन तुझे तो एक ही रानी है। दिस इज सो नाइस। ये है पूजा घर यहाँ का। ये दीवार इसमें हीरे हुआ कर लेते हैं, बाबर उठा के लिखे गए। ये पूरा यहाँ का ऐसे उन्होंने बताया, हमने कोई रिसर्च नहीं की, गाइड ने बताया। और ये इधर परिक्रमा के लिए, सो इफ दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, वी आर नॉट एंटाइटेड। ये परिक्रमा रूम है, तो यहाँ पर ऐसे गोल घूमने के लिए। ऑडियो आ रहा है क्या, क्योंकि yes, इनको बहुत हो रहा है। यस बड़े बड़े डांस प्रोग्राम यहाँ हुआ करते थे, राजा वहाँ से देखते थे और रानियाँ यहाँ से देखती थी। हर जगह पर ग्लास लगे थे, वहाँ पर लैंप लगे थे, रिफ्लेक्शन के थ्रू फिजिक्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर लाइटिंग की जाती थी। ये राजा मानसिंह के समय में इसको झूला घर कहा जाता था। राजा मानसिंह के समय में इसको झूला घर कहते थे। इधर ले जा, अंदर ले जा। यहाँ पर झूला झूला करते थे, और उसके बाद जब मुगल लोग आए तो उन्होंने इसको एग्जीक्यूशन रूम बना दिया। औरंगजेब ने उसके भाई को यहाँ फांसी दे दिया, ऐसा गाइड विच इज अगेन ऐसा गाइड ने बताया। और यहाँ पर हुक्स लगे हुए हैं, तो ये हुक्स के थ्रू ये हुक्स से रानियों को लटका कर मारते, जैसे सजा देते ऐसा बोलते हैं। यहाँ से हमको दिख रही है पुरानी ग्वालियर सिटी। तो अभी हमारा मानसिंह पैलेस एक साइड, हाँ मानसिंह पैलेस देखकर हो चुका है। अभी हम आगे जाएंगे, और भी मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पर, एक एक करके वो सब भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, जितना जितना जहाँ जहाँ जो भी दिखा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, चलो आगे। तो यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं। एक्चुअली वो जो सामने वाला पार्ट था, जो उस साइड था, वो कुछ बचा नहीं है, ऐसे हमारे गाइड ने बोला कि मतलब थोड़ा बहुत ही बचा है, सिर्फ खाली कमरे हैं, तो इंस्टेड आप बाकी पॉइंट्स कवर करो, ऐसा उन्होंने हमको सजेस्ट किया। तो यहाँ से ग्वालियर सिटी का व्यू आता है बहुत बढ़िया सा, वो हमने देख लिया। और यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री की थी, वहीं से अब हम निकल रहे हैं। अब आगे ये म्यूजियम जाना है, किधर म्यूजियम जाएंगे, एक बार देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे साजबोग टेम्पल। ग्वालियर फोर्ट के बगल में ही मानसिंह के पैलेस के बगल में ही ये इतना बड़ा म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर इस किले के एरिया में जितनी भी पुरानी मूर्तियाँ मिली थी देवी देवताओं की, वो सब मूर्तियाँ अंदर रखी हुई है, और बहुत सी मूर्तियों का। और एक चीज़ ये है कि म्यूजियम में अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं निकाल पाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सी मूर्तियों की मूर्तियाँ हैं
लेकिन जो सर का एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ मूर्तियाँ ऐसी है कि जो मुगलों ने डिस्ट्रॉय की, कुछ मूर्ति ऐसी है कि जो जब खुदाई हुई उसमें डिस्ट्रॉय हो गई। और तीर्थंकर की सारी मूर्तियाँ, हाँ, जैन तीर्थंकरों की काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती है। ये रहा हमारा ग्वालियर फोर्ट, अब यहाँ से और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, अब यहाँ से आगे सांसबोर टेम्पल। तो ये अभी हम पहुँच गए सांस बक्का मंदिर। ये है बीबी, ये सास का होगा, वो बहू का होगा, पता नहीं कौन सा है, बट यहाँ पे सास बहू का मंदिर ऐसा करके ही है ये। और यहाँ पे मंदिर क्यों है पता नहीं ऐसे, बट ये बहुत सुंदर है, ऐसे फोटो में पता नहीं चलेगा लेकिन अगर आप देखते हो ऐसे तो बहुत सुंदर है। शी इज़ माय मॉम, बाय मम्मी। ये इधर फोटोज ले रहा है बेबी, जैस्मिन के फूल। हाय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, हाय गाइस, मैंने भी गलत बोला, हाय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। मतलब तूने गलत जानबूझ के बोला। हाय गाइस, पता नहीं क्या है, कंफ्यूज ही आ गई हूँ मैं। हाय गाइस और भाईसेस, हैं क्या बोला, गर्ल्स, क्यों बोले, क्यों बोले, और सभी लोग, रुक जा, इसमें मैं भी देख रही हूँ, दिख रही हूँ, यहाँ पे मुझे देख लो फोटो में। ये है टेंपल, अंदर से बहुत ही सुंदर पत्थर पे पूरी डिजाइन की गई है। बेबी बताओ, दो मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, इसको सास बहु मंदिर बोलते हैं, तो ये बड़ा है तो शायद ये सास का मंदिर होगा, बाजू में बहु का होगा। हाँ, चल, अच्छा फोटो लेनी है। ये है टेंपल, शायद सास, ये बहु, ऐसा दो का कॉम्बिनेशन है, ये हमने अंदाजा लगाया कि ऐसे हो सकता है। और यहाँ पर एक गार्ड भैया थे, उन्होंने अभी हमको बताया कि यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो काफी हिस्टोरिकल है, उसको काफी हिस्टोरिकल वैल्यू है। प्लीज इग्नोर माय टोपीज। तो वहाँ पर अभी 12 तारीख को, मतलब 12 अक्टूबर को कुछ प्रोग्राम होने वाला है, 12, 13, 14, और उनका कहना है कि ऑल ओवर इंडिया 5-7 लाख सिख लोग यहाँ पर आते हैं प्रोग्राम में, मतलब बहुत बड़ा लेवल पर प्रोग्राम चलता है। और हर अल्टरनेट डे पर ये जिनका गुरु ग्रंथ साहिब होता है ना सिख लोगों का, जैसे अपनी पालकी है, वैसा इनके झांकी निकलती है पूरे ग्वालियर शहर में घुमाकर फिर वापस किले पर ले। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, आगे कोई एक टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे, टेम्पल से फिर हम खाना खाएंगे, भूख लग गई है। यस, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पे भी जाना है। लंच ब्रेक, यस वी नीड लंच ब्रेक। ये Look है at this view. ग्वालियर सिटी, पूरी सिटी का व्यू है यहाँ पर, कंप्लीट ग्वालियर सिटी दूर दूर तक, छोटा वाला मंदिर। ये हम आ चुके हैं तेली मंदिर, आगे की इन्फॉर्मेशन मिस्टर गिरलकर। तो मंदिर का नाम तेली का मंदिर इसलिए है क्योंकि बहुत पुराने ऑयल डीलर ने खुद के पैसे से राजा मिहिर भोज के टाइम में ये मंदिर बनाया था, जो हमें अभी यही से पता चला है, यहाँ पे हमने पढ़ा है, पर प्लेट पर लिखा हुआ है, दिस इज ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर है। और वो ऊपर का जो है ना, वो वाला जो आर्किटेक्चर है, स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा वहाँ लिखा है। यस यस, टिडिंग टिडिंग टिंग। लंच ब्रेक हो गया, हम आए हैं जयविलास पैलेस देखने के लिए। आप जब भी आओ यहाँ पर तो थोड़ा गूगल मैप इज नॉट वेरी श्योर कि ये गेट से जाना है वो गेट से जाना है, तो थोड़ा घूमना पड़ सकता है, यहाँ पर लोकल्स को पूछ लीजिएगा, हेल्पफुल है, बता देंगे। और पीछे टिकट काउंटर है, हम टिकट लेंगे और सामने जाएंगे तो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये है जय विलास पैलेस 1874, बहुत ही सुंदर है दिखने में। ये पता नहीं किसके फ़ोटो लेता है, मेरे तो लेता है नहीं, इनके भी कुछ दो तीन ही लेता है, बाद में पता नहीं किसके फ़ोटो लेता रहता है। फोटो ले रहा हूँ, बहुत सुंदर है और बहुत ह्यूज है, बड़ा है, बहुत मैसूर पैलेस वाली फीलिंग दे रहा है, पूरा ऐसे मैसूर पैलेस वाला फील देता है। बस मैसूर पैलेस, मैं गई नहीं हूँ मैसूर, येलो कलर में मैं गया हूँ। बहुत थक गए,
पूरा जय विलास पैलेस हमने घूम लिया और यहाँ पर सिंधिया फैमिली ने जनरेशन बाय जनरेशन जो भी चीज़ें इस्तेमाल की वो सारी चीज़ें अंदर डिस्प्ले थे। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हमने अंदर से वीडियो नहीं लिया। अभी महल की थोड़ी मरम्मत भी चल रही है तो जगह जगह पर वर्कर लगे हुए हैं। काफ़ी रॉयल लाइफ रही है इनकी और इनकी करंट जनरेशन जो है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने एविएशन मिनिस्टर है वो अभी भी है तो उन्हीं की वो इसी राजघराने से बिलोंग करते हैं। इसी राजघराने से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की ये रॉयल फैमिली है और ये उनका पैलेस है। बहुत थक गया हुआ है, नरेशन करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं सूर्य मंदिर। हमने वो सन टेंपल कवर किया फिर उसके बाद अभी हम आए हैं जैन टेंपल। ये है विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, शायद यहाँ पे चढ़ना पड़ सकता है। ये इसका गेट है, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है वो अभी। ये आ गया क्या गाड़ी जाती होंगी तो मैं बोल रहा गाड़ी चलाते ऊपर सीधा। हाँ पूछ लेते ना, इधर देख तो लेते अपन। बता दिया बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये गार्ड भैया ने कहा कि यहाँ पर गाड़ी जाती है ऊपर, हम गाड़ी मंगाएंगे ऊपर जाके आपको दिखा देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ पर श्रीफल या नारियल चढ़ाते हैं संडे के दिन तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती है। तो चढ़ाते चढ़ाएंगे लक्ष्मी। नारियल मिलता है ऊपर? ये यहाँ का टेम्पल है जैन टेम्पल ऊपर का, जो कि जो फोर्ट है उसी में है। ये फोर्ट की ही दीवार है ऊपर की, और यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ है फोर्ट के दीवार में। कहते हैं कि जो एक रानी थी उनका धर्म जैन हुआ करता था तो उसी की वजह से ये सारी मूर्तियाँ है यहाँ पे तीर्थन करके। राजा मानसिंह के दादाजी, उनकी रानी जो है वो जैन हुआ करती थी, ऐसा हाँ। गाइड ने बताया हमको। और यहाँ से जो अंदर एक मूर्ति है जो जिसका यहाँ से फेस दिख रहा है ये महावीर जैन की है ना, वो देखते ना अंदर, वो नहीं चेक किया। हाँ तो यहाँ पे यही का है वो कि श्रीफल चढ़ाया तो इच्छा पूरी होती है, और वहाँ पे है एक मूर्ति। तो ये थोड़ा ऊंचाई पे है, हम लोग चढ़ के आए हैं। हाँ आती हूँ अंदर। So, हम थोड़ा लेट हो गए, कन्वीनियंट टाइम पर नहीं आ पाए इसलिए। तो इतनी बड़ी ये मूर्ति है, ये दीप जलाए हैं हमने, ये जलाया है दीप, और ये है मूर्ति। वो फेस है जो बाहर से दिखाई देता है और ये मूर्ति है, बट अभी अंधेरा है सो सॉरी कुछ भी नहीं दिखेगा। वैसे अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे होटल और खाना खा के सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। बेबी आ जाओ। हाँ तो ये फोटोज़ निकाल रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा आपको आज का ब्लॉग। ब्लॉग हम आज का यहीं पे एंड करते हैं, कल जहाँ पे भी जाएंगे दिखाएंगे। आज का स्टे हमारा मोस्ट प्रोबेबली यही होगा या फिर कोई और डेस्टिनेशन भी हो सकता है, बट देखते हैं। सो कल जो भी डेस्टिनेशन पर हम होंगे वो तो ब्लॉग तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वील ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़। बाय बाय, सी यू सून।